हरियाणा समेत पूरे देश में रेलवे स्टेशनों के नाम नए स्वरूप और अनोखे अंदाज में नजर आएंगे। रेलवे की नई नीति के अनुसार स्टेशनों के नाम के साथ अब गैर सरकारी कंपनियों के नाम भी जुड़ेंगे। को ब्रांडिंग की नई नीति में स्टेशन के नाम के साथ आगे या पीछे कंपनियों का नाम लगाने की मंजूरी भारतीय रेलवे देने जा रहा है। इसके लिए रेलवे अपनी लगभग सभी तैयारियां कर चुका है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही रेलवे इस योजना को जमीन पर उकेर देगा। नई पॉलिसी के तहत रेलवे ने निजी कंपनियों से 1 से 3 वर्ष के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। इसके बदले में रेलवे कंपनियों से किराया वसूल करेगा। रेलवे बोर्ड यातायात वाणिज्य विभाग ने इस बाबत पूरे देश के रेलवे स्टेशन मास्टरों व जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जिनके पास निर्देश नहीं पहुंचे हैं उनके पास पहुंचाए जा रहे हैं। पॉलिसी के तहत देश की नामी कंपनियों को अपने ब्रांड को रेलवे के साथ प्रचारित करने की हरी झंडी दी गई है। जहां स्टेशन के नाम के बोर्ड लगे होते हैं वहीं स्टेशन के नाम के साथ निजी कंपनियों के नाम लिखे होंगे। यानी जो कोई भी अपनी कंपनी अपने ब्रांड का प्रचार करवाना चाहती है तो वे रेलवे स्टेशनों के नाम के आगे या पीछे ब्रांड का नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए कंपनी को रेलवे बोर्ड के साथ अनुबंध करना होगा। बता दें कि इस नाम को जुड़वाने के लिए कंपनियों को रेलवे को वर्क फीट के हिसाब से भुगतान करना होगा। इसके लिए अनुबंध 1 से 3 साल के लिए होंगे। उनका नाम रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर लिखा जाएगा। इससे पहले रेलवे जांच अधिकारी कंपनियों से ये पड़ताल करेंगे कि वह कितनी रकम जमा करवा सकते हैं। इसकी रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को देंगे। इसके बाद ही निविदा जारी की जाएगी। यहाँ ये भी बता दें कि महापुरुषों या किसी लोकप्रिय हस्ती के नाम वाले रेलवे स्टेशन ब्रांडिंग नीति में नहीं आएंगे। किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए ये नियम बनाया गया है। इसके साथ ही राजनीति से जुड़े व्यक्ति भी को ब्रांडिंग नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने के पीछे कारण है कि रेलवे अपनी छवि को भी साफ और निर्विवाद बनाए रखने और आरोप प्रत्यारोप से बचने की कसरत में है। यहाँ बता दें कि गैर किराया आय बढ़ोतरी के लिए को ब्रांडिंग नीति के तहत स्टेशन के साथ कंपनी में ब्रांड का नाम जोड़ा जाएगा। कंपनी की ब्रांडिंग केवल स्टेशन परिसर के अंदर ही होगी। मतलब जहाँ जहाँ रेलवे स्टेशन का नाम लिखा होगा वहाँ रेलवे स्टेशन के नाम के आगे या पीछे कंपनी अपना नाम लिखवा सकेंगी। परंतु रेलवे के टिकट पोर्टल उद्घोषणा के साथ रूट मैप में स्टेशन का वास्तविक नाम ही रहेगा। यहाँ बता दें कि रेलवे अधिकारियों के अनुसार स्वस्थ भारत को ध्यान में रखते हुए रेलवे शराब, तंबाकू या अन्य प्रकार के नशीले पदार्थ बेचने वाली कंपनियों का प्रचार नहीं किया जाएगा। यानी को ब्रांडिंग की नीति में शराब, सिगरेट व तंबाकू कंपनियों को शामिल नहीं किया जाएगा। DRM दिल्ली डिम्पी गर्ग के अनुसार को ब्रांडिंग पॉलिसी को लेकर रेलवे बोर्ड ने सर्कुलर जारी किया है। विभिन्न स्टेशन परिसरों में जहां भी रेलवे स्टेशन का नाम प्रदर्शित होता है वहां कंपनियों को ब्रांडिंग की अनुमति होगी। उम्मीद है कि इस क्वायद से रेलवे को बड़ा राजस्व मिलेगा।